हाय गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम टू बैक अनदर वीडियो। तो पहले गाइस घर पे बैठ बैठ के मैं बोर रहा था एंड मेरे पास कुछ एडिटिंग करने के लिए मेरा फोटो नहीं था, तो याद है अचानक एक बंदा का मैं फोटो रखा हूँ, ठीक है, क्योंकि बंदा का फोटो मैं क्लिक किया तो काफ़ी यूनिक है और मेरा फेवरेट फोटो बन गया, तो सोचा कि ना उसका एडिटिंग मैं आप लोग के लिए लाऊँ एंड उसका प्रीसेट बना के आपको दूँ। तो नॉर्मली प्रीसेट बनाया हूँ एंड वीडियो एडिटिंग करता है एक एक प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, सिंपली बहुत ही ज़्यादा वीडियो लंबा था एंड वीडियो का मैं दिखा था कि मैं क्या क्या किया हूँ जिससे कि हमारा फोटो कुछ ऐसा बनाए। तो आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए एंड वीडियो को वॉच कीजिए, क्योंकि अगर वीडियो आप वॉच नहीं करते तो आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, अगर आपका पासपोर्ट नहीं मिलेगा तो आपका प्रीसेट डाउनलोड नहीं होगा, अगर प्रीसेट डाउनलोड नहीं होगा तो आपका वीडियो को देखना कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप वैसे एडिटिंग कर नहीं पाओगे, अगर आप प्रीसेट लोगे तभी कर पाओगे। तो गाइस काफ़ी यूनिक वीडियो बना होता है, वीडियो को शुरू से एंड तक वॉच करो एंड वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर दो एंड गाइस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस चले बढ़ेगा स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली क्या है कि मैंने लाइटरूम को ओपन कर लिया हूँ एंड इसमें पांच फोटो को भी इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, जो आपको नॉर्मली यहाँ से इंपोर्ट कर लेना, जैसे आपके यहाँ पे जाना है इंपोर्ट कर लेना, ठीक है, एंड कि आप इंपोर्ट करना है सिंपली मैं यहाँ पे पांच फोटो इंपोर्ट किया एंड अलग अलग फोटो भी इंपोर्ट किया हूँ, ताकि कि हमारा प्रीसेट जो है उसको मतलब चेक करने में आसानी हो कि किसी भी फोटो के अंदर जो हमारा प्रीसेट है काम कर रहा है या नहीं। तो नॉर्मली क्या करना चाहते हो, तो आपके यहाँ पे प्रीसेट को ओपन करना है, यहाँ पे जो हमारा प्रीसेट है एंड इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दिया हूँ एंड वीडियो के अंदर मैं पासपोर्ट आपको दूंगा जिससे आपको जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है, एंड यहाँ पे लिखा है लाइट रूम प्रीमियम प्रीसेट तबाई एडिटिंग जॉन डार्क सिनेमैटिक एंड यहाँ पे सिंपली थ्री डॉट क्लिक करना है एंड इसका जो सेटिंग होता है उसको कॉपी कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे एंड इसको भी सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से कर देना है डन। सो गाइस डन करना है, बैक करना है एंड अपना फोटो पहना है, ठीक है, ये वाला हमारा फोटो था एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करके आप दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे थ्री डॉट क्लिक किया एंड कर दिया इसको पेस्ट। सो अभी यहाँ पे पेस्ट करवा फोटो काफ़ी बेहतर लगा, बट यहाँ पे जो नीचे वाला जो येलो टोन है, अब अगर इसको आपको ब्लैक करना है तो आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे कलर पे जाना है और जाने में सिंपली आपको यहाँ पे देखिए मिक्सर पे जाना है, कलर मिक्सर पे एंड इसका ग्रीन जो होता है उसको हम बिल्कुल माइनस करें एंड इसको भी बिल्कुल माइनस करें एंड देखिए मेरा जो फोटो है काफ़ी बिफोर एंड आफ्टर कितना मतलब प्यारा लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है एंड इसके बाद से मैं कुछ और फोटो भी लिया हूँ सैंपल में आपको चूज कर मतलब एडिटिंग करके बताने वाला हूँ जिससे कि हमारा फोटो पर कैसा लग रहा है। तो आइए उस फोटो पर चलते हैं और देखते हैं उस फोटो पर हमारा प्रीसेट है जो कैसा काम कर रहा है। तो नॉर्मली एक वजह वाला ए वाला प्रीसेट, ठीक है, इस फोटो है ए वाला हमारा फोटो है एंड यहाँ पे थिएटर पे क्लिक किया एंड इसके बाद से मैं इस पर भी पेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ जो हमारा फोटो है कैसा लग रहा है और कैसा दिख रहा है, ठीक है, एंड बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हमारा प्रीसेट यहाँ पे पेस्ट हो चुका है एंड नॉर्मली इसको भी आप यहाँ पे जाके एडजस्ट कर सकते हैं, यानी किसी भी फोटो में जो हमारा प्रीसेट है बेटर लग सकता है एंड लगेगा ही, ठीक है, एंड यहाँ पे आप जाके कंट्रास्ट वगैरह आप इसको जितने भी कम करना चाहते हैं यहाँ पे कंट्रास्ट को कम कर सकते हैं ताकि फोटो बढ़िया दिखे एंड यहाँ पे देखिए कंट्रास्ट को आप यहाँ पे कम कर सकते हैं एंड यहाँ पे क्लियरिटी को आप कम कर सकते हैं, ठीक है, एंड आपका फोटो काफ़ी मतलब बिफोर एंड आप देख सकते कितना प्यारा लगा है एंड आप दूसरा फोटो के अंदर चलते हैं और उस पर देखते हैं कि हमारा फोटो कैसा लग रहा है। तो अभी यहाँ पे कहाँ गया फोटो हमारा एंड इस वाला फोटो मैं चेक करता हूँ, ठीक है, एंड नॉर्मली यहाँ पे थ्री डॉट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे भी पेस्ट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना मतलब फोटो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, आपको मतलब फोटो भी यूज़ करेगा तो आप बढ़िया लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पेस्ट सेटिंग, तो बिफोर एंड आप देख सकते हैं एंड इसको अगर आप चाहे ब्लैक भी कर सकते हैं बट येलो कलर है शॉट तो आप ब्लैक नहीं करिए तो बेटर रहेगा क्योंकि आपका शॉट भी ब्लैक हो जाएगा, ठीक है, तो बिफोर एंड आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है एंड इसका जो आप सेटिंग है आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली अपना सेटिंग को दिखा दे रहा हूँ कैसे कैसे मैं यहाँ पे यूज़ किया हूँ, तो आप देख सकते हैं चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, आप देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड लाइट पे एंड कर्व टूल देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या मैं यूज़ किया हूँ एंड आप देख ही सकते हैं एंड यहाँ पे आते हैं बैक एंड इसके बाद चलते हैं यहाँ पे कलर ऑप्शन पे एंड यहाँ पे देखिए कलर पे एंड इसको देख लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं यूज़ किया हूँ, ठीक है, इसको बस यूज़ किया हूँ, ठीक है, हाईलाइट को तो यहाँ पे आप हाईलाइट को यूज़ कर सकते हैं एंड इसके बाद मिक्सर पे चलते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आप नॉर्मली जो चीज़ होता है एंड सब ये माइनस कर रहा हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना मतलब फोटो में तो मेरा प्यारा लग रहा है बट यहाँ पे एक चीज़ आपको टूल यहाँ पे सिलेक्टेड टूल आपको यूज़ करना होगा जिससे कि आपका फोटो बढ़िया लगे, तो आप वो सिलेक्टेड टूल को यूज़ करना है, अगर आपका लाइट रूम प्रीमियम नहीं तो आप बता दीजिएगा मुझे, आपको लिंक दे दूंगा एंड गाइस वीडियो अच्छा लगता है यार लाइक कर दो एंड चैनल पे यार नए तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए मैं इसको डाउनलोड करता हूँ एंड शेयर कर सकते क्लिक करेंगे और कर देंगे इसको सेव टू डिवाइस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइस वीडियो अच्छा लगता है यार लाइक करके जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ।